नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। और बात सबसे पहले सितारगंज की करेंगे। आपको बता दें कि भूमिधरी जमीन पर 30 फीट चौड़ा रोड बनाने से ग्रामीणों में रोष पैदा हो चुका है। ग्रामीणों ने रोड पर रोक लगाने की मांग कर दी है। नानकमत्ताम के ग्राम टुकड़ी के लोगों ने एसडीएम तुषार सैनी को ज्ञापन देकर ये कहा है कि हम लोगों को खेत में आने जाने के लिए आनंद सिंह के खेत से गर्भू सिंह के घर तक 30 फीट कच्चा रास्ता है जिस पर चलकर पहुंचना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि कच्चे रास्ते को डामर रोड पर बनाया जा रहा है और इसके लिए उनके खेत की काफी मिट्टी कट रही है जिससे कि उनके खेतों में काफी दिक्कत आएगी जो खेती वो लोग करेंगे। ग्रामीणों ने रास्ते को कच्चा रहने देने की मांग की है। सितारगंज से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ग्रामीणों की तरफ से एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और इस ज्ञापन के जरिए कई मांग है जो उनकी तरफ से रखी जा रही है। हालांकि देखिए, इन मांगों को लेकर लगातार जो ग्रामीण हैं उनके अंदर रोष भी देखा जा रहा है और यही वजह है कि अब परेशान होकर एसडीएम को ज्ञापन ग्रामीणों की तरफ से दिया गया है। बन रही है वो जो 1200 मीटर की रोड है, कच्चा रास्ता है हमारे गांव में, जो PWD रोड है मीन चौराहे से कच्चा रास्ता है आनंद सिंह बाबू सिंह के घर से लेकर के गर्भू सिंह उमेदी के खेत तक की रास्ता है सर, कच्चा रास्ता। वहां बीच में केवल दो सरदार हैं। 1200 मीटर की लंबी दूरी है और दोनों तरफ से दो GCV लगी हैं PWD विभाग के द्वारा और 10-10 फुट हमारे खेतों को दबाया जा रहा है। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात हरिद्वार की करें। हरिद्वार के बहादुराबाद में स्थित सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश की भूमि पर करीब 150 साल पहले बने पनपक्की, आपको बता दें कि बिल्डिंग को राजस्व प्रशासन ने जर्जर हालत का हवाला देते हुए ध्वस्त कर दिया है। ये जो आपको बता दें कि कुछ साल पहले इसको बनाया गया था, 150 साल पहले, ये जो आपको बता दें जो सिंचाई विभाग की तरफ से कामकाज किया गया था पनचक्की की बिल्डिंग को राजस्व प्रशासन ने जर्जर हालत का हवाला देते हुए ध्वस्त कर दिया। हरिद्वार से तस्वीरें देख रहे हैं। आपको बता दें कि इस भूमि की बिल्डिंग के नीचे साल 2009 से धार्मिक स्थल भी बना हुआ है। धार्मिक स्थल में रखे धार्मिक ग्रंथ और अन्य सामान उपजिलाधिकारी ने अपनी देखरेख में सुरक्षित बाहर निकलवा दिए हैं। धार्मिक स्थल पर करीब 10 से ज्यादा कमरे बने हैं जो कि जर्जर हालत में थे। धार्मिक स्थल में आस्था रखने वाले लोगों में प्रशासन की कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी देखी गई। हालांकि भारी पुलिस बल के चलते मौके पर कोई भी विरोध जो करता है वो यहाँ पर नजर नहीं आया। आपको बता दें कि इस भूमि में आजादी से समय से बनी पंचक्की में पानी के प्रेशर से आटा पिसाई होती थी, लेकिन धीरे धीरे आपको बता दें कि पंचक्की अस्तित्व में नहीं रही। पंचक्की के अंदर वर्तमान समय में भी पानी बह रहा था। बिल्डिंग ध्वस्तीकरण के दौरान मौके पर उपजिलाधिकारी, इसी के साथ ही CO सदर निहारिका सेमवाल, PAC और बहादुराबाद थाने के पुलिस बल मौजूद रहा। हरिद्वार से तस्वीरें आपके TV स्क्रीन पर है। क्योंकि पहले पब्लिक इंटरेस्ट में एक पंचक्की चला करती थी, तो क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुराना हो गया था और आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत संवेदनशील था। इसके अलावा कुछ लोगों के द्वारा इलीगली रूप से यहाँ पे मजार भी स्टेब्लिश कर दिया इरीगेशन का बिल्डिंग में, तो आज इरीगेशन एक्शन CO प्लस मेरे द्वारा विजिट किया गया। और वहीं मौसम विभाग के येलो अलर्ट जारी करने के बाद भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा लगातार जारी है। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार के बाहर बारिश की फुहारों के बीच श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। श्रद्धालु तन्मयता से भगवान बद्री के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में मौसम विभाग के येलो अलर्ट पर एक बार फिर आस्था भारी नजर आ रही है। यात्रा को सुचारू रूप से संचालन के लिए BKTC के अध्यक्ष अजवेंद्र अजय बद्रीनाथ धाम में डेरा डाले हुए हैं। चमोली से तस्वीरें आप देख रहे हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां पर मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस बारिश और बर्फबारी के बीच आपको बता दें कि श्रद्धालुओं का लगातार तांता वहां पर दिखाई दे रहा है। यानी कि कहा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर कि आस्था मौसम पर आस्था भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में काफी दिनों से मौसम प्रतिकूल बना हुआ है, लगातार वर्षा और बर्फबारी हो रही है।
लेकिन इसके बावजूद श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की श्रद्धा और आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। श्रद्धालु बड़े उत्साहित नजर आ रहे हैं। प्रदेश सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से श्रद्धालुओं के सुगम और सरल दर्शन व्यवस्था के लेकर के सभी प्रयास सुनिश्चित किए जा रहे हैं। अलाव इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार यात्रा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। और वहीं पौड़ी जिले की अमकेश्वर विधानसभा के द्वारीखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पल्ला हतनुर से एक हृदय विदारक घटना सामने निकल कर आई। यहां रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 100वें एपिसोड को देखने अपने स्कूल जा रही एक बच्ची को रास्ते में आवारा सांड ने कुचलकर मार डाला। इस घटना से पूरे द्वारीखाल क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पल्ला हतनुर गांव की कक्षा 5 में पढ़ने वाले एक बच्चे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण को सुनने गांव के ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय हतनुर को खुशी खुशी घर से निकली थी और बीच रास्ते में ही एक आवारा सांड ने उसे बेरहमी से मार डाला। बालिका का नाम जो है वो आहिना बानो बताया जा रहा है। साहिदन बेगम की 4 पुत्रों में से तीसरी पुत्री आहिना बानो थी। घटना के बाद से बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चलें कि छात्रा के पिता का कुछ वर्ष पूर्व ही इंतकाल हो गया था और 4 बालिकाओं के भरण पोषण की जिम्मेदारी अब बेटियों की मां के कंधों पर आ गई थी। शाहिदन बेगम मजदूरी कर चारों बालिकाओं का भरण पोषण कर रही थी और इस घटना से क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हो चुकी है। ग्राम प्रधान रोशन सिंह रावत ने बताया है कि उनके द्वारा प्रशासन को इस संबंध में अवगत करा दिया गया था। तो वहीं द्वारीखाल प्रधान संगठन के अध्यक्ष अर्जुन रावत ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने का भी आग्रह किया है। जबकि पौड़ी पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ रणनीतिकार नेता डॉक्टर प्रेम बहुखंडे ने पीएम मोदी की मन की बात को रविवार की छुट्टी के दिन जबरदस्ती बच्चों को सुनवाने और उसका प्रमाण प्रस्तुत करने को गैरकानूनी और अलोकतांत्रिक करार देते हुए पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया है और स्थानीय महिला विधायक रेणु बिष्ट की महिलाओं के प्रति संवेदनहीन होने की भी कड़ी आलोचना की है। डॉक्टर बहुखंडी ने इस दुखद घटना पर सरकार को पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता मुहैया कराने का अनुरोध किया है। तो वहीं आपको बता दें कि द्वारीखाल ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने भी छात्रा की मौत पर शोक जताया है और अपनी संवेदना व्यक्त की है। ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा ने सरकार से पीड़ित परिवार की मदद को आगे आने का आग्रह किया। की बात का 100वां संस्करण सारा देश सुनने के लिए उत्सुक था। हर स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाने की तैयारी में थी और इसी क्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हतनुर की एक बालिका पल्ला से, जो हमारी एक मुस्लिम बिटिया है, वो भी स्कूल जाने के लिए दौड़ी दौड़ी चहल कूद से स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में आवारा पशुओं के झुंड ने उसे रौंद डाला और उसके प्राण पखेरु वहीं पर उड़ गए। तो मैम, कहीं ना कहीं अधिकारियों को अभी तक इस बारे में पता नहीं है, लेकिन इतने लेट बावजूद भी अधिकारियों को इस बारे में पता नहीं अभी तक, क्यों ऐसा है, क्या कारण है? इतनी देर तक नहीं पता अभी तक इस घटना के बारे में अधिकारियों को भी? नहीं, संज्ञान में था लेकिन उनके घर वालों ने शायद कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे और इसलिए कोई रिपोर्ट ऑफिस कार्यालय एसडीएम कार्यालय में नहीं आई। असंवेदनशील सरकार है। क्यों बच्चों को रविवार को बुलाया गया था, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। साप्ताहिक अवकाश, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मन में किसी का आया उसने साप्ताहिक अवकाश दे दिया। इसके पीछे पूरा विज्ञान है कि 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। इसके ये पूरा अधिकार है, इसके लिए सैकड़ों साल संघर्ष किया गया है। अध्यापकों की बात थी, उनके साथ आंगनवाड़ियों की बात है, जो अब बाकी सरकारी कर्मचारियों की बात है। तो ये असंवेदनशील सरकार है। इस बच्ची की दुखान उसकी डेथ हो गई थी। और वहीं मंगलौर क्षेत्र में बेमौसम बारिश ने एक बार फिर से किसानों को झटका दे दिया है। बारिश से गन्ने की बुआई देरी से होगी। किसानों ने पहले ही गन्ने के लिए खेतों की जुताई कर दी थी। खेतों में पानी भरा हुआ है जिससे किसानों के लिए मुसीबत पैदा हो चुकी है। तो वहीं सब्जियों के खेतों में भी पानी भर चुका है। किसानों का कहना है कि ये पानी किसानों के हित में नहीं है। बता दें कि क्षेत्र में बड़ी संख्या में किसान अधिक मात्रा में गन्ने की खेती करते हैं। गन्ने के प्रगतिशील किसान ने
ये बताया है कि गन्ने की बुआई के लिए किसानों ने खेत तैयार करना शुरू कर दिया था, खेतों की जुताई कर दी थी, पानी सूखने का इंतजार उन्हें था। इस साल पहले ही फसल समय से लेट हो गई है और लेकिन देर रात हुई बारिश ने गन्ने की बुआई 10 से 15 दिन पीछे कर दी है, जिससे कि सभी किसानों की परेशानियां बढ़ चुकी है। बेतु क्या नुकसान है, बेतु की बारिश से ठंड पैदा कर दी, गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान है, जो गेहूं रह रहे और भाई गन्ने की फसल को बहुत नुकसान है, गन्ने की बुआई रुक गई, पछेत होएगी और भाई गन्ना जो कटने वगैरह आ रहा है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। और भाई नुकसान ही काश्तकार को तो इसका तो वो समस्या तो है नहीं, भाई नुकसान नहीं है, जो भी गलत है जो अच्छा नहीं है, भाई आजकल खरसा में तो गर्मी चाह रही। और बात गुजरात की करेंगे, गुजरात के बासरा कॉलेज के पास छात्रा की हत्या से जुड़ा ये मामला है, जो युवती कॉलेज से घर जाते हुए लापता हुई थी और फिर उसकी लाश पास के ही खेतों में पड़ी हुई मिली थी। उस युवती की हत्या करने वाले को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तहकीकात में मालूम पड़ा है कि वो एक ऑटो चालक है, युवती उसके ऑटो में बैठकर घर जा रही थी, लेकिन ऑटो वाले की नीयत बिगड़ने की वजह से युवती को वो बाजू के खेतों में लेकर गया और उसके साथ रेप किया और युवती का जो मोबाइल था वो भी हत्यारे ने स्विच ऑफ करके वहां पर फेंक दिया था। मेहसाणा जिला पुलिस प्रमुख अजय त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके युवती की हत्या का पूरा जो मामला था उसका जनता के सामने उसका खुलासा किया है। पुलिस ने इस हत्या की तहकीकात करते हुए 24 किलोमीटर एरिया के सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए थे। 100 से ज्यादा लोगों से पुलिस ने पूछताछ की थी, जिसमें ये बात सामने आई कि 25 तारीख को रिक्शा चालक ने युवती को मेहसाणा सिविल अस्पताल से उसे अपने ऑटो में बिठाया था। रिक्शा चालक ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया, पहचान ना हो इसलिए आरोपी ने ऑटो से सभी स्टिकर भी निकाल दिए थे। पुलिस इस हत्या के गुत्थी सुलझाते हुए आगे और तहकीकात में जुटी हुई है। लड़की की डेड बॉडी बेसर गांव में खेतन में से पुलिस को उसकी जाहिरात हुई थी कि एक बॉडी मिली है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने वहां पे एक बैग था उससे आइडेंटिफाई हुआ कि ये लड़की कौन है। उसके बाद पुलिस ने तपास चालू की कि इस जो मर्डर है इसका क्या कारण हो सकता है, उसके सारे पहलुओं पे जांच शुरू की। पुलिस को पता लगा ये लड़की हमेशा यही काम करती है। और वहीं अमेठी के पीपरपुर थाना क्षेत्र में दहशत बनाने के लिए सोशल मीडिया पर असलों का प्रदर्शन किया जा रहा है। दहशत गर्द का नाम आपको बता दें कि सैफ अली है, जो अमेठी के पीपरपुर थाने के मछवा का निवासी है। और वहीं बीते 26 तारीख को मुख्यमंत्री आवास पर आत्मदाह करने वाले युवक आनंद मिश्रा की कल सिविल अस्पताल में मौत होने से हड़कंप मच गया। मृतक आनंद मिश्रा का शव पैतृक गांव रनागढ़ी पहुंचा, पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है, जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक बम्बालाल दिवाकर पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। मृतक आनंद मिश्रा ने आत्मदाह करने के बाद सिविल अस्पताल में विधायक बम्बालाल पर उत्पीड़न और पक्षपात का आरोप लगाया था। मृतक के भाई ने एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप भी लगाया है। पीड़ित परिवार ने कहा है कि बीजेपी विधायक की रसूख और ताकत के चलते गरीब की जान गई है। वहीं सहारनपुर में भाजपा नगर विधायक राजीव वुम्बर ने कहा कि माहौल खराब भाजपा नहीं बल्कि इमरान मसूद कर रहे हैं। वहीं बोटी बोटी की बात भी वो करते हैं। जिस तरह से लोग भाजपा का स्वागत कर रहे हैं उससे साफ स्पष्ट है कि अब भाजपा की ही जीत सुनिश्चित है। यहां भाजपा की टक्कर में कोई नहीं है और ये चुनाव हम विजय होकर रहेंगे। योगी और मोदी का फूल अब सहारनपुर में भी होगा। आपको बता दें कि माहौल खराब करने की बात पर उनकी तरफ से ये कहा गया कि कोई किराए के लोग नहीं है, ये गुंडे नहीं है, मवाली नहीं है, ये शहर के
संभ्रांत डॉक्टर, व्यापारी, पारिवारिक और उद्यमी लोग हैं। आज रोड शो में गरीब से लेकर अमीर तक हर वर्ग का व्यक्ति शामिल हुआ है, हर जाति का व्यक्ति शामिल हुआ है। माहौल खराब तो इमरान मसूद करते हैं जो बोटी बोटी कहते हैं और जो बोटी करने की बात करते हैं। स्वागत किया है, इससे साबित होता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में कोई नहीं है और ये चुनाव हम विजयी होकर रहेंगे। योगी और मोदी का युग अब सहारनपुर में भी होगा। इमरान मसूद का कहना कि माहौल खराब कर चुनाव जीतना चाहते हैं। देखिए, ये जो लोग हैं कोई किराए के लोग नहीं है। और वही अधिवक्ता रविकांत त्रिपाठी की सुरक्षा को हटा दिया गया है। सुरक्षा वापस होने पर वादी मुकदमा ने जान माल का खतरा बताया है। एसपी को अधिवक्ताओं ने ज्ञापन देकर सुरक्षा वापस दिए जाने की भी मांग उठाई है। मृतक इंद्रकांत के परिवार ने जान माल का खतरा बताया। इंद्रकांत की मौत में आपको बता दें कि यूट्यूब चैनल संचालक पर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। मर्डर हो गया है, इसमें एसपी साहब जो पाटीदार थे, प्रमुख अभियुक्त थे और अन्य लोग भी थे। तफसील करके लगातार इनको शासन द्वारा सुरक्षा मिलती रही। अब ये अचानक हटा देने से, क्योंकि देख रहे हैं कि आप तौर पर यूपी में देखिए, आप उमेश पाल की हत्या हुई, तमाम तरह की हत्या वकीलों खराब हो रही हैं। और वहीं सहारनपुर में बसपा नेता इमरान मसूद द्वारा खुद पर मामला दर्ज कराए जाने की आशंका के बारे में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने कहा कि ये उनके पुराने पाप है जिसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। उन्होंने झूठे मुकदमे के बारे में कहा कि इसका फैसला कोर्ट करेगी, अगर मामला गलत होगा तो उनको वहां से न्याय मिल जाएगा। लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश ने ये कहा कि सहारनपुर समेत प्रदेश के 17 नगर निगम पर इस बार कमल का फूल ही खिलेगा। इतना ही नहीं, देवबंद में भी इस बार कमल का फूल खिलेगा जो कि पिछले कई सालों से नहीं खिला है। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद अपने पुराने पापों के भय से डर रहे हैं। उनके पुराने पाप जो कि मुकदमों के रूप में दर्ज हैं, अब उनका डर उन्हें सता रहा है। सबसे पहले सहारनपुर नगर निगम में, सहारनपुर की चारों नगर पालिकाओं में और सहारनपुर की समस्त नगर पंचायतों में और इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम, अधिकतर नगर पालिका, अधिकतर न्याय पंचायत, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, अपने प्रदेश संगठन के नेतृत्व में भयंकर मतों से जीतने जा रही है। और वहीं आगरा हाथरस रोड पर रईस जादों ने खूब उत्माद मचाया है। बीच सड़क पर कार की खिड़की खोलकर उनकी तरफ से जाम लगा दिया गया। कार के ऊपर चढ़कर वीडियो शूट भी किया गया। इस दौरान आगरा हाथरस रोड टेढ़ी बगिया पर जाम भी लग गया। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के आगरा हाथरस मार्ग मस्जिद के सामने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और वहीं सहारनपुर में भाजपा ने निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज भाजपा ने एक रोड शो भी निकाला है। आपको बता दें कि ये रोड शो अग्रवाल धर्मशाला से शुरू होकर नगर के विभिन्न मार्गों और बाजारों से होता हुआ घंटाघर चौक पहुंचा। रोड शो में बहुत अधिक, आपको बता दें कि बहुत अधिक लंबा था और इसमें महिलाएं खासतौर पर शामिल हुई थी जो कि भाजपा के और योगी मोदी के नारे भी लगा रही थी। रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत इस रोड शो में ठोक दी है। इस रोड शो का नगर के मुख्य बाजारों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर पुष्प वर्षा करके लोगों ने स्वागत भी किया।
रोड शो में आगे जहां बाइकें थी तो वहीं महिलाएं भी उसके साथ साथ चल रही थी, तो वहीं गाड़ियां भी चल रही थी। रोड शो में सबसे पीछे फूलों से सजा हुआ ट्रक भी था जिसमें भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह समेत भाजपा नेता मोहित बेनीवाल, राज्य मंत्री और ब्रजेश सिंह, नगर विधायक राजीव कुंभर, विधायक मुकेश चौधरी, विधायक देवेंद्र नेम, भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन और अन्य वरिष्ठ नेता रहे। रोड शो घंटाघर चौक पर जाकर समाप्त हुआ जहां सभी ने हनुमान मंदिर में हनुमान प्रभु के दर्शन किए। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि रोड शो के दौरान उन्हें भरपूर प्यार मिला और किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी है, महिलाओं की भीड़ उमड़ी, उन्हें अपनी जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त वो हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि उम्र ही भीड़ को अपने प्रति, संगठन के प्रति, उनकी विचारधारा के प्रति सभी का आशीर्वाद। ये कहूँगा कि उनके उत्साह और खुशी को देख रहा हूँ, एक ऐतिहासिक ये रैली है, पिछले कई दशकों में ऐसा परिवर्तन नहीं देखा होगा, जो रैली में उमड़ी भीड़ से जीत के प्रति आश्वस्त ही नहीं हुए हैं बल्कि अब कितने ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे ये भी देखना होगा। उन्होंने अखिलेश यादव के सहारनपुर में रोड शो से गिर जाने पर कहा कि उनका बहुत बहुत स्वागत है, मेरे शहर में आ रहे हैं, उनका बहुत अभिनंदन। और वहीं बद्रीनाथ धाम में नाराज चल रहे तीर्थ पुरोहितों को उत्तराखंड सरकार ने मास्टर प्लान के कार्य के चलते बड़ी सौगात दी है। बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के आवास हटा दिए गए थे, इसके बाद तीर्थ पुरोहित समाज काफी नाराज हो चुका था, लेकिन सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के आवास को बनाने के लिए भूमि पूजन कर जल्द से जल्द आवास निर्माण करने का आश्वासन दिया है। मंदिर के निकट ही अब तीर्थ पुरोहितों के लिए नए आशियाने बनाए जाएंगे। कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात तीर्थ पुरोहितों को लेकर मानी जा रही है सरकार की तरफ से, क्योंकि देखिए इससे पहले कहीं ना कहीं नाराजगी तीर्थ पुरोहितों में नजर आ रही थी। आपको बता दें कि तीर्थ पुरोहितों के आवास हटा दिए गए थे बद्रीनाथ धाम में और इससे जो संत समाज है, पुरोहित समाज है, वो काफी नाराज हो चुका था, लेकिन अब सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और बद्रीनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों के आवास को बनाने के लिए भूमि पूजन कर जल्द से जल्द आवास निर्माण करने का आश्वासन दिया गया है। कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। देखिए आज से जो हमारा तीर्थ पुरोहित आवास है उसका हम लोगों के द्वारा भूमि पूजन किया गया है, तो क्योंकि बहुत समय से हमारे पुरोहित समाज की डिमांड थी कि पहले उनके आवास जो है उनका निर्माण शुरू हो जाए और उसके बाद उनका विस्थापन हो। इसमें सभी का हमारा बहुत अच्छा सहयोग रहा है और आशा करते हैं कि आज से ये कार्य शुरू होने के पश्चात जल्द से जल्द ये कार्य समाप्त हो जाए और मंदिर के दोनों तरफ जो हमारे पुरोहित समाज रह रहे हैं वो मंदिर के निकट की इस धरती पर अपने पुनर्स्थापित हो जाए। आज जो भूमि पूजन हुआ है ये सांकेतिक हुआ है और ये विश्वास बनाने की दिशा में एक पहला कदम रखा गया है कि हमको ये पता चला आज कि हमको यहाँ पे भूमि मिलेगी। अभी हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, अभी हमारी लड़ाई इसके आगे भी जारी है। अभी हम लोग जो जमीन के बदले जमीन की मांग कर रहे हैं उस पर हम अधिक है, अभी हम मकान के बदले मकान जो मांग रहे हैं उस पर हम अधिक है, और जो हमका प्रतिकर का जो मूल्य समान सर्किल रेट उस पर हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई है। तो अभी केवल ये सांकेतिक और विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक कदम प्रशासन की तरफ से और हमारी तरफ से बढ़ाया गया है और उम्मीद है कि हम लोगों के जो मांगे हैं वो पूरी होंगी जल्द से जल्द। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात एटा की करेंगे जहाँ से एक हादसे का मामला सामने निकल कर आया है। एटा में कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई और इस टक्कर में 3 लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी थी, आपको बता दें। हालांकि इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों और शवों को पोस्टमार्टम के लिए एटा मेडिकल कॉलेज भेजा जहाँ उनका इलाज चल रहा है। पूरा मामला थाना पिलुआ के अंतर्गत गुलाबपुर के पास का बताया जा रहा है। और बात लखनऊ की करेंगे, लखनऊ में शिवपाल यादव ने रोड शो किया। नगर निकाय चुनाव के दौरान शिवपाल यादव ने ये रोड शो किया था। ये रोड शो गोसाईगंज में किया गया सपा प्रत्याशी के समर्थन में। इस दौरान शिवपाल यादव की तरफ से वोट की अपील की गई। रोड शो के दौरान सपा प्रत्याशी के समर्थन में शिवपाल ने वोट मांगे और जनता से उन्हें जिताने की अपील भी की।
तो लखनऊ से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शिवपाल यादव का रोड शो हुआ और इस दौरान बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता और जो समर्थक थे वो इस रोड शो में शामिल हुए। हालांकि जहां जहां से ये काफिला शिवपाल यादव का होते हुए गुजरा वहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी दिखाई दी। कई जगहों पर पुष्प वर्षा करके शिवपाल यादव का स्वागत भी किया गया। हालांकि इस दौरान सपा प्रत्याशी के समर्थन में वो वोट मांगते हुए भी नजर आए और साथ ही साथ जीत का दावा करते हुए भी नजर आए। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।